हो गया आज है ये तो बड़ी कोई मस्ती कर रहा है। देगा परेशान खैर हो गई। देखो ये सब तो चीजें जिंदगी के साथ साथ है। सो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज तो आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा, और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ हम लोग क्लिप शेयर करेंगे कि जब मैंने हमें पता चला था प्रेगनेंसी का, हमारी प्रेगनेंसी जो थी मेरी पॉजिटिव थी, घर पे टेस्ट किया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। काफ़ी दिनों से मुझे बोलते चेक करो, जैसे सिम्टम्स जैसे होते हैं ऐसे हो रहा था। तो मुझे बोर्ड पर बोलते चेक करो, मैंने बोला मैं हॉस्पिटल जाऊँगी। तो मैं वहीं से ना डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप आना, हम आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। पर उन्होंने बोला नहीं तुम चेक कर लो। तो चेक किया तो मतलब कुछ ही, मतलब जब आपको खुशी होती है एक चीज़ की कि मतलब आपको फील होता है कि आप मतलब इन फ्यूचर क्या बनने वाले हो, आप पापा बनने वाले, तो वो खुशी हमें आई, एक्साइटमेंट, खुशी थी और इमोशनल्स भी थे। वो आप क्लिप देख लें, हम लोगों ने जमा किए थे सारे क्लिप छोटे छोटे, क्योंकि हमारा ये चांस था कि हम लोग मतलब 2 महीने बाद जाके रिवील कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसा मतलब हुआ, फिर सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं क्या हुआ। पहले आप ये क्लिप देखें, आप लोग सोच रहे होंगे चले के फर्स्ट के मेरी आंखों में ऐसे आंसू क्यों आए। ऐसे क्यों रो रही है, चले गए और मैं डर रात के 5:30 हो रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी ना दिल नहीं था, और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि स्ट्रिप से नहीं करना, टेस्ट करेंगे बस। मैं बोला, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं लाग तो मैं बोला नहीं, जो कुछ भी है मतलब मैं उसको बोला नहीं, हम कोई चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, होगा तो ऊपर वाला जो है ना ऐसे ही आपको टेस्ट करोगे तो सब हो जाएगा। उन्होंने बोला केमिकल टेस्ट करेंगे हम लोग, उससे सही प्रॉपरली पता चल जाता है, हो तो इससे भी पता चल जाता है इस चीज़ से भी। लेकिन ये फीलिंग मैं कभी नहीं समझ पाता, शायद कभी भी नहीं समझ पाता, मतलब जब शादी होती है ना ये खाली ये फीलिंग ना वही समझ पाते हैं मेरे ख्याल से। और कोई यंग बॉयज़ होंगे विदाउट रिलेशन होंगे या रिलेशन में होंगे, वो ये फीलिंग नहीं समझ पाएंगे। ये खाली मैरिड लाइफ वाले ये फीलिंग समझ पाते हैं। और बाकी खैर सुबह मिलते हैं आपसे। इस टाइम में से मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, सुबह आपसे बताएंगे सब कुछ, ये जर्नी हमारी कैसी रही। अभी हम लोग आए हैं मिठाई लेने के लिए मम्मा लोगों के लिए। और अगर खाली हम खुद अपनी मर्जी से करवाना, मिठाई भी इतनी महंगी कर दी उन्होंने, ये तो पता नहीं कितने का बता रहे हैं, 1400 पता नहीं क्या। नहीं इन नीचे वाले आइटम तो ले सकते हैं, ये बर्फी है ना, सिर्फ ऊपर वाले चार को छोड़ के सारे। अच्छा सही, ये वाली बर्फी है ना जी, जी सारी बर्फी। कौन कौन सी करवाएंगे, ये दिल वाली करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, ठीक है। नहीं ये वाली सबसे अच्छी होती है, ये बर्फी है, ये वाली नहीं, ये भी अच्छी होती है ना, ये तो हम लोग लेकर जा रहे हैं मम्मा लोगों के लिए मिठाई। तो आप लोगों ने देखा उस वीडियो के बाद हम लोग जो ना फिर सबसे मिलवाते हैं, आज हम सबको बताने वाले हैं, तो पता चल गया लेकिन फिर भी मिले नहीं है। मैं उस दिन मिल के आया हूँ, मतलब गया मम्मा के घर पे, मम्मा को मैं बताया नहीं, तो मम्मा मुझसे आपको क्या लगता है मम्मा का क्या एक्सप्रेशन होगा। आई थिंक ये इमोशनल होगा बहुत ज़्यादा। और मौसम इतना मज़े का बन गया ना, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ना तेज़ होने लग गई है। मैं सर पर दुपट्टा ले लूँ, और मैं ना दुआई कर रही थी, मैं कल इनको बोल रही थी, मैंने कहा बेबी बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, कह रहा खुदा दे देगा बारिश, और देखो खुदा ने दे दी है। और बारिश जो है ना वो नेमत होती है खुदा की तरफ से, ब्लेसिंग है। काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ बारिश है, दुबई में बारिश नहीं होती ना, ब्यूटीफुल मौसम हो रहा है ना, ये देखो सारी शर्ट इनकी तेज़ होने लगती है, और तेज़ ना हो जाए। तो आज हम बताने वाले
ले लो, मैं अपने लिए ले रहा था। ये क्लिप आई होप कि आप सबने देख लिया होगा और आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे हमारी तरह, जैसे हम फील कर रहे थे कि हाँ हमें खुशखबरी आई है। तो बस फिर हम लोग भी बहुत खुश थे, मतलब हफ्ता डेढ़ खुश रहे, बहुत ज़्यादा खुशी थी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ट करवाना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते भाई टेस्ट करवाओ, ब्लड टेस्ट हो गया और बीटा ECG हो गया, मतलब सारे टेस्ट हम लोगों ने करवाए। तो फिर वहाँ से थोड़े से ना मतलब कंडीशन इनकी जो ना क्रिटिकल हो गई, थोड़े मतलब ऐसा हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी रिपोर्ट मतलब स्टार्टिंग में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ताकि आगे पीछे ये देखो है शोर नहीं करता, और आज इसको देखो शोर कितना हो गया। तो मैं बताती हुआ क्या था, मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो शायद बहुत अर्ली था तो अल्ट्रासाउंड में ना आ नहीं रहा था, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट का बोल दिया, तो ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव थी मेरी रिपोर्ट। ये रही, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, ये दिखाओ, मेरा नाम भी दिखा देना, ये बोले ना किसी और की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये मैं जब रोमियो डेट भी देख रही, हाँ तो 21 तारीख को करवाया था अल्ट्रासाउंड, जो कि पॉजिटिव आया था, जिसमें 4 वीक्स का आया था। ठीक है, 4 वीक्स से तब मुझे 5 वीक जब स्टार्ट हो गए थे, 5 वीक 5 डेज, तो मुझे थोड़ी सी मतलब उसके बाद डॉक्टर ने फिर दोबारा टेस्ट के लिए बोला था, वो भी करवाया था, वो भी उसके बाद भी सेकेंड टेस्ट जो करवाया था वो भी मेरा पॉजिटिव था। ठीक है, उसके बाद मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें बेबी सैक भी नज़र आया था और 5 वीक 5 डेज थे। लेकिन जब ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, तो उस टाइम जो है ना, मैं स्टेटर पे लेटी हुई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों नहीं, और शायद प्रेगनेंसी क्या, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड कर, तो बोला नहीं बेटा है आपको, आप क्यों रो रहे हो, तो मैं रोती जा रही थी बहुत ज़्यादा, और उस टाइम ना मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताया, डॉक्टर को बता देना चाहिए था कि आपका ऐसे हो गया मसला, एक चीज़ इंसान को क्लियर हो जाती है, अभी उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, बेड रेस्ट दे दिया मुझे, मतलब एक हफ्ता ये बेड रेस्ट पे रही। आप लोग देख रहे थे हमारे व्लॉग में क्या आ रहे, तो बाकी जो भी था वो तो देखो खुदा की करनी है, जो होना होता है अच्छे के लिए होता है आपका, ये नहीं कि मतलब आप जो ना अब इस चीज़ के ऊपर बैठ जाओ और इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाओ। इमोशन थे हमारे जब हमें पता लगा कि कुछ मतलब खतरा आ गया है, मतलब ये सारी चीज़ें खत्म हो रही है, सब चीज़ें खत्म हो रही है, तो हमें जो ना बहुत ज़्यादा फिर मतलब बैड फील होने लग गया कि यार नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम तो हर चीज़ अच्छे से करते हैं, हर किसी के साथ मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं, तो हर किसी का ख्याल भी करते हैं। मतलब अब जब आप अच्छाइयाँ करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ये चीज़ें नहीं होती कि आपके साथ ये चीज़ें हो पाएंगी, तो फिर हमें ना बुरा लगने लग गया कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मतलब हमारे साथ बस अजीब से फील था यार, बस क्या होता है। तो बस फिर वो ये थोड़ा टाइम टेंशन में रहे, मतलब 3-4 दिन हम लोग टेंशन में रहे, जैकल 3-4 दिन हम लोग जो ना टेंशन में रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे। फिर हम लोग व्लॉग इसलिए नहीं थे बनाते कि नहीं यार मतलब क्या बनाए, दिल नहीं था करता, लोग बोलते ना टेंशनें होती हैं इंसान व्लॉग बना लेता है, तो हम पर ये टेंशन ना थोड़ी अलग सी थी, आती है परेशानी आती है, लेकिन ये वाली परेशानी ऐसी थी कि व्लॉग नहीं था बनाया जा रहा हमसे, तो इस वजह से हम लोग बोलते यार ये सारी चीज़ें पहले मूड अच्छा सा हो जाए, और ये तो ऐसी थी कि एक कमरे में होते सोते भी मतलब कि है ही नहीं है, सब से पूछो सब ही बोलते ये क्यों ऐसे रहते, और सब मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि वो में व्लॉग नहीं बना रहे, तो यही वजह थी, तो इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। इसको क्या हो गया आज है, ये कोई बात नहीं देगा, खैर होगी, देखो ये सब तो चीजें जिंदगी के साथ साथ है, बहुत हिम्मत पकड़ के हम व्लॉग बना रहे हैं इस चीज का, मुझे नहीं पता कि हमें बनाना चाहिए था, मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा अपना स्ट्रगल की थी इन्होंने, साफ सी बात है, मैंने इवन रोटी तक छोड़ दी थी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, इवन जब मुझे आप लोगों ने बोला ना कि तुम अभी वेट नहीं लूज कर रही, डाइट नहीं कर रही, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उन्होंने मुझे सिर्फ 5 kg अपना वेट कम करना, मैंने 7 kg का, मैंने बताया जरूरत नहीं है, ठीक हो। तो बहुत स्ट्रगल की है पोमी ने, जो बात है तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, मुझे भी मुझे पता है, लेकिन फिर जब आप इतनी मेहनत करते हैं एक चीज़ के लिए, तो वो चीज़ ऐसे मतलब हो जाता है, फिर आपको हर्ट होता है कि यार स्ट्रगल मैंने की, इतनी मेहनत की तो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। लेकिन खैर ये तो खुदा की करनी होती है, मतलब ये तो मैं बोलता हूँ खुदा कभी भी किसी के ऊपर ऐसा टाइम नहीं लेकर आए,
तो जब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हुआ तो फिर लास्ट रिपोर्ट हमारी हम लोगों ने जो लास्ट रिपोर्ट कराई थी आप लोगों ने देखा होगा एनएमसीएच कराई थी ना लास्ट, तो उसके बाद सब कुछ जब खत्म हो चुका था लास्ट रिपोर्ट कराई थी जब मतलब आपने देखा होगा सैटरडे को ना, पिछले सैटरडे को करवाई थी मतलब, तो भी आप देख लें क्या दिन हो रहा है। एक हफ्ता ब्लीडिंग होती रही थी तो मैंने करवाना था अल्ट्रासाउंड, ने बोला नहीं बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, ऐसे कहते हैं ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जब ब्लड टेस्ट करवाया उसमें सारा पता चला कि नहीं अब मतलब सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी। ये देखें आप सेल्स देखें 2 ml रह गए थे, कहाँ 8000 ml तो कहाँ 200 ml पे आ गए 3-4 दिन में। मुझे मैंने किसी और भी डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि काफ़ी दफ़े ऐसे होता है कि मतलब बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाती या कुछ और एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं तो उसकी वजह से खुद ही जो है ना मिसकैरेज हो जाता है, ये खुदा की तरफ से होता है। तो उसे बोला परेशान नहीं हो, खुदा फिर देगा। तो कह रहे हम हिम्मत करके बैठे हुए, दुनिया में हर किसी के साथ होता है, फिर इसको मैंने ये चीज़ें समझाई, देखो ये दुनिया के साथ बहुत कुछ होता है, तो हम तो फिर भी उनमें से भी अच्छे हैं यार। तो फिर इन्होंने थोड़ी हिम्मत पकड़ी कि नहीं यार सही बात है कि इतना कुछ दुनिया के साथ होता है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, मतलब सब मुझे बोलते थे ये क्या हो गया छोड़ो, ये किसी से बात नहीं थी करती, क्या हो गया फिर मेरी मम्मा से भी बात नहीं थी करती होती। लेकिन नहीं मैं कहती हूँ भले एक दिन की प्रेगनेंसी हो, 2 महीने की हो या 9 महीने की हो, तकलीफ तो वही है ना, मतलब एक माँ जो दर्द रखती है वो माँ रखती है। तो ये चीज मुझे याद बहुत, वैसे भी मुझे ये चीज फील थी कि जब इंसान इस फीलिंग पे आता है ना उसको चीजें बहुत ज्यादा मतलब फील होती है, मैंने सोचा नहीं था कभी भी ऐसा होगा। मेरा यही माइंड था कि हम लोग ना इस महीने की अगस्त की लास्ट में रिवील कर देना था हमारा ये, हम लोग जो ना छोटे छोटे मोमेंट्स जो ना जमा करते रहते थे मतलब जोड़ते रहते थे क्या कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है। हमें वेट था कि हार्ट बीट आएगी काके की छोटे से की, तो उसका वेट था, लेकिन देखो ना बस खैर। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे क्या वजह थी क्यों हम लोग नहीं थे बना रहे, और आप सब मेरे लिए दुआ करना कि खुदा अगली दफा जब भी दे तो कोई नहीं हिम्मत वाला दे, तंदुरुस्ती वाला दे और जिंदगी वाला दे, कोई बात नहीं। हमारा तो खैर ये फर्स्ट था तो फील तो फर्स्ट दफा हुआ था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, हमेशा सबके लिए कर अपने लिए बाद में दूसरों के लिए पहले सोचती हूँ, बस मुझे इसलिए ज्यादा हुआ था कैसे मेरे साथ क्यों हुआ। खैर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए।